हेलो वेलकम टू माय जावा ट्यूटोरियल इस ट्यूटोरियल में हम कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे इन्हें हम ट्रांसफर स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं प्रोग्रामिंग इज वेरी इजी ओनली यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होते हैं विच आर यूज टू कंटिन्यू द एग्जीक्यूशन बाई टर्मिनेटिंग अ सिंगल अल्ट्रेसन और यूज टू स्कीप द एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन यूज ओनली इन साइड स्टेटमेंट्स वी कॉन्ट यूज़ कंटिन्यू स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ इफेल्स डायरेक्टली जैसे कि हमने ब्रेक में भी पढ़ा था कि ब्रेक को भी क्या है हम डायरेक्टली एल्स के अंदर नहीं लिख सकते जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है इसे हम केवल आल्ट्रेटिव स्टेटमेंट के अंदर ही लिख सकते हैं हम इसे ना तो स्विचेस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और ना ही लेबल्ड ब्लॉक के अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट ऑलवेज मस्ट बी द लास्ट स्टेटमेंट इन एग्जीक्यूशन फ्लो तो इसके लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जैसे हमारी क्लास है हेलो इसके अंदर हमने एक मेन मेथड बनाया अब अगर मान लीजिए यहाँ पर एक वेरिएबल हमने लिया है इंटीजर आई इजिगल टू टेन और यहाँ पर हमने एक लूप चलाया वाइल आई इज ग्रेटर देन जीरो और इस केस में हमें क्या कराना है प्रिंट करा लेना है आई को यहाँ पर हमने क्या कर दिया आई माइनस माइनस अब अगर इस केस में हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे यह आ गया इसका आउटपुट अब अगर मान लीजिए जैसे कंटिन्यू की हमने बात करी थी कंटिन्यू क्या करता है कि एक आइट्रेशन को स्किप करके और दोबारा से उस लूप को एग्जीक्यूट कराता है कब तक जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तो अगर मान लीजिए जो यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है इसमें मुझे वैल्यू चाहिए सिक्स के बाद तो अगर हम लगा देंगे एफ आई इज ग्रेटर देन सिक्स तो क्या हो जाए कंटिन्यू यानी कि जैसे ही यहाँ पर देखेगा वाइल आई ग्रेटर देन जीरो है इसके बाद अंदर आया i ग्रेटर दैन सिक्स है इनिशियली क्या था टेन था तो इस केस में ये कंडीशन ट्रू है ट्रू होने के बाद कंटिन्यू कंटिन्यू होने के बाद ये यहाँ पर नहीं आएगा ये क्या होगा दोबारा से लूप पर पहुँच जाएगा और लूप इस केस में फिर से इसे एग्जीक्यूट कराएगा लेकिन अगर हम इसे रन कराएंगे तो इस केस में क्या होगा ये टेन ही टेन प्रिंट करता रहेगा क्यों क्योंकि टेन का हमने क्या कराया टेन को हमने डिक्रीज नहीं कराया अगर इसे हम रन कराएंगे तो इस केस में यहां पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो कुछ भी नहीं मिलेगी क्योंकि हमने प्रिंट तो कुछ नहीं कराया लेकिन यहां पर क्या है यहां पर ये लूप चल रहा है इनफाइनाइट टाइम्स अगर हमें इसे रोकना है तो हम इसे क्या करेंगे स्टॉप कर देंगे तो इस केस के लिए हम कंटिन्यू के साथ साथ एक चीज और ऐड कर देंगे आई माइनस माइनस अब इस केस में अगर इसे रन कराएंगे तो यहां पर वही वैल्यूज आएंगी जो हमने बात करी थी ये देखिए सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन अब काफ़ी टाइम बच्चे क्या करते हैं वो इस आई माइनस माइनस को कंटिन्यू के बाद लिख देते हैं अगर कंटिन्यू के बाद कुछ भी आएगा तो वो क्या होगी वो एरर होगी जैसे कि हमने डिस्कस कर रहा था कि, कि किसी भी एग्जीक्यूशन में जो कंटिन्यू होता है वो लास्ट स्टेटमेंट होता है अब इस केस में ये क्या आएगी ये होगी अनरीचेबल क्यों क्योंकि कंटिन्यू के बाद तो क्या होगा जो कंट्रोल है वो ट्रांसफर हो जाएगा एट द बिगनिंग ऑफ द लूप तो उस केस में ये जो स्टेटमेंट होगा ये क्या होगा ये अनरीचेबल होगा तो इसलिए आपको आई माइनस माइनस यहाँ पर यूज़ नहीं करना है तो अगर मान लीजिए हमें वैल्यू जो प्रिंट करानी है वो एक पर्टिकुलर रेंज की करानी है तो इस केस में अगर हम यहाँ पर कंडीशन लिख देते हैं जैसे हमें रेंज चाहिए टेन टू सेवन और एट और थ्री टू वन तो इस केस में क्या होगा कि आई इज लेस देन एट एंड आई इज ग्रेटर देन थ्री अगर इस तरह से कुछ कंडीशन है तो ये क्या कर दे उसे आई की वैल्यू को डिक्रीज तो कर दे और कंटिन्यू कर दे और अगर नहीं है तो इस केस में क्या है आई की वैल्यू को ये प्रिंट करा दे अगर हम इसे रन करेंगे टेन नाइन एट एंड थ्री टू वन तो आपने देखा कि ये जो कंटिन्यू है ये क्या करता है सिंगल आइट्रेशन को ही जस्ट ट्रांसफर करता है जो उसका एग्जीक्यूशन है उसे टर्मिनेट करता है सिंगल आइट्रेशन का एग्जाम्पल के लिए अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और उस केस में अगर आप काम करते करते कहीं पर रुकते हैं तो उस काम को आपको दोबारा से स्टार्ट करना हो तो आप क्या करेंगे कंटिन्यू का यूज़ करेंगे कंटिन्यू को हम डायरेक्टली एफ और एल्स के अंदर नहीं लगा सकते जैसे कि अगर हमने यहाँ से वाइल हटा दिया तो ये क्या बोलेगा कंटिन्यू आउटसाइड ऑफ लूप तो हम कंटिन्यू को लूप के बाहर कहीं पर भी यूज़ नहीं कर सकते अगर ये लेबल्ड ब्लॉक होता तब भी हम इसे यूज नहीं कर पाते अभी भी क्या आ रही है कंटिन्यू आउटसाइड ऑफ लूप होप आपको चीज़ें समझ में ही होगी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं या फिर आप लॉग ऑन कर सकते हैं डब्ल्यू 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 डॉट लर्न टू डॉट कॉम स्लैश डॉट पी हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे थैंक यू